प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से दिल्ली और लखनऊ से सीधे जुड़ जाएगा बुंदेलखंड। लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए झांसी और ललितपुर से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। इन्हें ले जाने के लिए रोडवेज की 120 और 200 प्राइवेट बसों को लगाया गया है। शनिवार को झांसी और आसपास के जनपदों के 13 रूट खाली हो जाएंगे। इन मार्गों पर कोई बस नहीं दिखेगी, लिहाजा अगर बस का सफर प्लान कर रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है। रोडवेज की सभी 120 बसें शुक्रवार की सुबह से ही रूट से अलग कर दी गई थी। इन बसों से तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को उरई ले जाया गया। इन बसों के रूट से हटते ही लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। रोडवेज की बसों में सफर करने वाले लोग सारा दिन परेशान रहे। शनिवार को भी हजारों लोगों को बसों का इंतजार करना पड़ा। माना जा रहा है कि रविवार से ही बसों का संचालन दोबारा से शुरू हो पाएगा, लिहाजा अगर आप बस का सफर प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल 2 दिनों के लिए टाल दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रोडवेज की बस ही नहीं प्राइवेट बसों को भी लाभार्थियों को ले जाने के लिए लगा दिया गया है। चित्रकूट से लेकर इटावा तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 7 जिलों का कायाकल्प होगा। इससे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिले सीधे जुड़ेंगे। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जालौन के कैथरी गांव में जनता को समर्पित करेंगे। एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही चित्रकूट से दिल्ली तक का 630 किलोमीटर का सफर 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ जुड़ जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड का औद्योगिक और आर्थिक विकास का रास्ता भी खुलेगा। बांदा और जालौन में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए सलाहकार एजेंसी का गठन हो चुका है। उद्योग लगने से इन दोनों जिलों के अलावा आसपास के जिलों के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। बुंदेलखंड में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर को भी एक्सप्रेसवे का लाभ मिलेगा, माल का आवागमन सुगम हो सकेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार 2020 में इसका शिलान्यास किया था। निर्माण एजेंसी यूपीडा ने कोरोना काल के बावजूद 28 माह में एक्सप्रेसवे को लक्ष्य से 8 महीने पहले बनाकर तैयार कर दिया है। इसमें 4 रेलवे और ब्रिज, 14 बड़े पुल, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर, 13 टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा है। इसमें चलने वाले वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से 6 पुलिस उपाधीक्षक सहित 128 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। साथ में 12 इनोवा वाहन लगाए गए हैं। ये 24 घंटे यहां से गुजरने वाले वाहनों पर निगाह रखेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झांसी और ललितपुर से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ ही लाभार्थी भी वहां मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को ही गांव-गांव बसें भेज दी गई थी ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वहीं तमाम नेता अपने निजी वाहनों से भी रवाना हो गए। रैली में शामिल होने के लिए देर शाम से ही लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी है। इसके लिए प्रधान सचिव, कोटेदार, आंगनबाड़ी आदि को भी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर बुंदेलखंड के कलाकारों की टीम मंचन करेंगी। बुंदेली गमछा भी मोदी को भेंट किया जाएगा। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उनके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, सांसद रामशंकर कठेरिया, अनुराग शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, आर के सिंह पटेल और अतिथि मौजूद रहेंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।